तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हेडिंग टैग स्ट्रक्चर इन एसईओ। हेडिंग टैग जो होता है बहुत बेसिक थिंग लगती है जो भी एसईओ में काम करते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट होता है। और बेसिक चीज होने के बाद भी काफी सारे लोगों को ये चीज की हायरार्की है, हेडिंग टैग्स को प्रॉपर यूज करना है, वो नहीं आता है। इस वजह से क्या होता है कि उनका जो कंटेंट है, अगर हाई क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ भी है बट हेडिंग टैग उसके अंदर प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा कि एसईओ से उतनी वैल्यू मिल नहीं पाती। तो हेडिंग टैग्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे ए टू लेके जेड तक इस सेशन के अंदर। तो पहले बात करते हैं कि हेडिंग टैग्स होते क्या है। हेडिंग टैग सिंपली क्या होता है कि आपका जो भी वेबसाइट पे एक पेज बना हुआ है, चाहे आपके पेज के ऊपर सर्विस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव पर्पज से आपने ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल बनाया, तो वहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स आ रही होती है। तो उन हेडिंग्स को क्या होता है एसईओ के अंदर टैग्स की तरह यूज करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए लेते हैं, गूगल पे चलते हैं या फिर हम एक अपना ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट ओपन किया, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, तो यहाँ पर एक पहली हेडिंग ये वाली आ गई है, ये भी हेडिंग है। फिर अंदर गए तो अंदर भी बहुत सारी हेडिंग्स होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर यहाँ आगे चले तो यहाँ पे एक हेडिंग है, फिर ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। तो अगर हम इनको सिंपली हेडिंग की तरह दिखा दें और टैग्स को यूज नहीं करें तो गूगल को क्या होता है, पता नहीं चल पाता कि ये हेडिंग किसके अंदर पार्ट प्ले कर रही है। इसको सिंपली एक समझते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर आप चैप्टर देखते थे तो चैप्टर वाइज होता है काम सारा। जैसे चैप्टर वन है, चैप्टर वन के अंदर आप वहां पे उनको 10 चीजें बता रखी है और 10 हेडिंग्स ले रखी है। फिर चैप्टर टू आया, चैप्टर टू के अंदर 10 हेडिंग्स आ रही है, चैप्टर थ्री के अंदर 10 हेडिंग्स आ रही है। तो एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो हो रही है, आपको पता चल रहा है कि चैप्टर वाइज काम हो रहा है, ताकि यूजर फॉर एग्जाम्पल आप यूजर एक बुक को रीड करने वाले हो या टेक्स्ट बुक को स्टडी करने वाले हो, तो वहां पर आपको पता रहे कि चैप्टर वन के अंदर ये 5 चीजें स्टडी करनी है मुझे, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, आपको आइडिया लग रहा है। सिमिलरली यूजर पर्सपेक्टिव और गूगल पर्सपेक्टिव से कैसे आइडिया मिलेगा, यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर हेडिंग टैग्स है। अब यूजर का एक्सपीरियंस आप अच्छा कर सकते हो विदाउट कह सकता है कि हेडिंग टैग्स को यूज किए भी, क्योंकि आप हो सकता है कि वहां पे मार्क उसको बोल्ड कर दो, उसकी साइज इंक्रीज कर दो, बट ये चीजें करने से गूगल को आइडिया नहीं मिलेगा कि कौन सी हेडिंग किसके अंदर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर वन के अंदर हम बात करते हैं कि 5 हेडिंग्स है, तो 5 हेडिंग्स गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर वन की हेडिंग्स ही है, क्योंकि वहां पे तो सबके लिए सेम हेडिंग्स है, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि वेबसाइट पे जो हेडिंग टैग्स होते हैं काम करते हैं आपके एचटीएमएल टैग्स की तरह। जैसे अगर ये वाला पेज है, इसके अगर अंदर हेडिंग टैग्स देखना चाहते हो आपके कौन से हेडिंग टैग्स लगे हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से हेडिंग टैग्स लगे हैं। ओके, जैसे इस पे मैं होवर किया इस हेडिंग पे, तो आप ऊपर देखो पर्पल कलर में लिखा हुआ है H2 और उसके नीचे मार्जिन लिखा हुआ है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो आप दिखा होगा पर्पल कलर के अंदर H2 लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब सिमिलरली अगर नीचे चलते हैं तो एक हेडिंग और आ रही होगी, ठीक है, इसके ऊपर जैसे मैंने होवर किया तो इसके ऊपर भी आपको देखोगे H2 लिखा हुआ है। H का फुल फॉर्म यहाँ पे हेडिंग है, तो हेडिंग टैग्स मल्टीपल होते हैं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर गया तो यहाँ पे H3 लिखा हुआ है पर्पल कलर के अंदर जो आपको दिख रहा है ओवर के ऊपर H3 आया। इसके ऊपर गया तो ये भी H3 लिखा हुआ आया। तो यहाँ पर बात हो रही है H का मतलब यहाँ पे हेडिंग है, तो ऊपर कहीं पे H2 दिखा, हमने हेडिंग 2, यहाँ पे हेडिंग 3 दिखा। तो एसईओ के अंदर टोटल ऐसी हेडिंग 6 तक होता है, मतलब H1 से लेकर H6, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है। और H की फुल फॉर्म समझिएगा हेडिंग की, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती है और ये सारी HTML और SEO दोनों के अंदर पार्ट प्ले करती है। HTML के अंदर कैसी होती है, कोड को खोल के भी हम देखेंगे इसको, और SEO में कैसे रोल प्ले करती है और कब कौन सी हेडिंग यूज करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कब कौन सी यूज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने देखा था कि इसको H2 दिया हुआ और इसको H3 दिया हुआ, तो ये किस हिसाब से सोच समझ के H3 H2 मार्क करना है, वहां पे हम WordPress के अंदर भी हम देखेंगे इसको करके और वेबसाइट के ऊपर भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सारी चीज जल्द समझेंगे। तो ये कब चूज करना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है, और यही पार्ट होता है एज ए एसईओ प्रोफेशनल आपको करना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डेवलपर आप कर रहा है वेबसाइट पे काम तो वो सही करके देगा, वो उस तरह कैसे कर सकता है जो आप उसको बताओगे, बट वो ये नहीं कर सकता कि सारी हायरार्की प्रॉपर फॉलो हो रही हो, ठीक है। यही काम एसईओ पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करता है गूगल को पता कैसे चलता है, तो गूगल क्या करता है आपका पेज का सोर्स कोड ओपन कर, इस पेज का मैंने सोर्स कोड ओपन किया हुआ है, कोड को रीड करता है और कोड के अंदर क्या होता है हेडिंग टैग्स मार्क हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ H1, ठीक है, मैंने H1 सर्च किया तो आप देखोगे H1 के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे मार्क की हुई हेडिंग, और यहाँ पे देखो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ बिगिनर्स गाइड इन 2024, ये वाला जो हेडिंग है इसको H1 के अंदर क्लोज हो गया, ये वाला आप देखोगे H1 के अंदर क्लोज हो रखा है। तो यहाँ से गूगल को पता चलता है कि ये वाला जो बीच में हेडिंग आ रही है वो H1 है। सिमिलरली अगर आप H2 देखने जाए तो देखो यहाँ पे H2 के अंदर मार्क एक हेडिंग है और वो है व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, ठीक है, और उस यहाँ पे ये क्लोज हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ जो हेडिंग थी वो H2 के अंदर थी। तो ये सब चीजें आपके कोड के अंदर मार्क अपने आप हो जाती है जब आप
उसको मार्क करते हो, स्पेशली अगर ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी है, आपके वर्डप्रेस के अंदर ऑप्शन आते हैं सेलेक्शन करने के, तो जैसे सेलेक्ट करते हो तो अपना कोड के अंदर वो बन जाता है। ठीक है, अब बनना जरूरी क्यों है और प्लस आपको हेडिंग टैग्स यूज कैसे करना है वो समझते हैं। तो जब भी आपका एक पेज होता है उसमें 6 से 8 हेडिंग टैग्स होते हैं। अब जो H1 होता है, ठीक है, H1 मींस, H1 का यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पार्ट होता है। तो जैसे कोई मान लेते कोई बुक है, उस बुक का जो हेडिंग है, हेडिंग वन कौन सा होने वाला, जो बुक का टाइटल है, क्योंकि टाइटल एक बार ही आता है। ठीक है, एक बुक के मल्टीपल टाइटल तो होने वाले नहीं है। तो सिमिलरली आपके SEO के अंदर भी हेडिंग वन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कौन सा होता है, जो आपके पेज का टाइटल है। या फिर यहाँ पे टाइटल वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइटल से बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि मेटा टाइटल की बात हो रही है। यहाँ पे हम बात करेंगे हेडिंग वन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर इस पेज का जो ब्लॉग पोस्ट हमने ओपन किया है, ब्लॉग पोस्ट का हेडिंग क्या है, व्हाट इज टेक्निकल SEO बिगनर्स गाइड। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बार बार तो आएगी नहीं, इस टॉपिक को प्रेजेंट करने वाली जो हेडिंग है वो आ चुकी है, तो हमेशा आपकी एक बार ही आएगी हेडिंग वन। ठीक है, तो हेडिंग वन हमेशा एक ही बार यूज करनी है, जो कि आपके पेज की मेन हेडिंग होगी। ठीक है, जैसे आपके बुक का जो टाइटल है वो एक बार ही होता है, सिमिलरली। अब अंदर चलते हैं, अब ब्लॉग पोस्ट के अंदर मल्टीपल हेडिंग्स होगी। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी H2 H3 वगैरह हो रही है, बहुत सारी हो रही है, और एक बुक के अंदर भी क्या होता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 इस टाइप से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक डॉग के अंदर चलते हैं, इसको फॉलो करते हैं, जैसे ठीक है, नेम ऑफ द बुक जो है आपका वो हेडिंग वन है। तो आपके गूगल डॉक्स के अंदर भी ऑप्शन आता है, आप उसको चूज कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ से मैं देखो हेडिंग वन चूज कर लेता हूँ। तो नेम ऑफ द बुक क्या हो गया आपका, H1 हो गया, इसको मैं H1 लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर द हमको आइडिया रहे कि हमने कौन सी हेडिंग मार्क करी उसको। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक बुक के अंदर 10 चैप्टर है मान लेते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 हो गया, फिर चैप्टर 2 हो गया, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। अभी मैं 5 चैप्टर से ले रहा हूँ, बाकी आगे भी 15 20 50 कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं और बुक के नेम के अंदर नेक्स्ट हायरार्की उनकी ही आ रही है, चैप्टर्स ही आ रहे हैं, तो ये आपके क्या बनेंगे, एज हेडिंग 2 बनेंगे, H2 जिसको हम कहते हैं। और क्योंकि चैप्टर सारे इक्वली वैल्यू होल्ड करते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सबकी इक्वल वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारे इक्वल वैल्यू वाली चीजें हमेशा सेम हायरार्की में चलेगी, हेडिंग 2 ही बनेगी। इसको भी ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी करके देंगे, देखेंगे। चैप्टर 5 तक हमने देख लिया कि सारी हेडिंग 2 बनेगी, क्योंकि सब चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। अब चैप्टर 1 के अंदर कोई चीज आ रही है, मान लेते हैं कि चैप्टर 1 के अंदर 4 थिंग्स आ रही है, 4 हेडिंग्स और आ रही है ब्रेक डाउन करके। तो ठीक है, एक आ गई अपने यहाँ पे सब हेडिंग 1, फिर एक मान लेते इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर ही बात चल रही है अपनी, चैप्टर 1 के अंदर सब हेडिंग 3 आ रही है। ठीक है, सब हेडिंग 3। अब क्या हो रहा है, चैप्टर 1 जो ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या मार्क करा था, H2, तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ आइडिया के लिए। ठीक है, और सिमिलरली बाकी जो चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस जैसे रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये भी H2 में चल रहा है और ये भी H2 और ये भी H2। अब H2 के अंदर यहाँ पे जैसे कि चैप्टर 1 था जो कि H2 में चल रहा है आपका, इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स है। अब 3 सब हेडिंग्स हो, 4 हो, 5 हो या 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सब हेडिंग्स कितने भी हो। अब ये जो H2 का पार्ट आ रही है, तो H2 के पार्ट में जो इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करने वाली जो हेडिंग्स आ रही है, सब हेडिंग्स जो भी आ रही है, वो H2 के बाद में क्या आता है, H3। तो ये हमेशा H3 के अंदर जाएंगी आपकी। ठीक है, इसको मैं H3 मार्क कर देता हूँ, हेडिंग 3। ठीक है, और हेडिंग 1 और हेडिंग 2 इक्वल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से हेडिंग 3, और हेडिंग 3 क्यों बनी, क्योंकि वो हेडिंग 2 का पार्ट है, तो हेडिंग 3 हमेशा हेडिंग 2 का पार्ट होगी। ठीक है, ये वाली क्या हमने मार्क करी इसको, हेडिंग 3, तो ये आपका H3 बन गया। ठीक है, सिमिलरली हेडिंग ये सब हेडिंग 2 जो है वो भी H3 में चलेगा आपका, एंड ये वाला भी हेडिंग 3 बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 के अंदर मान लेता हूँ कि 2 ही सब हेडिंग्स है। ठीक है, सब हेडिंग 1 एंड सब हेडिंग 2। अब ये वाली कौन सी बनेगी वो देखते हैं। अब देखोगे ये वाली चैप्टर 2 के अंदर जो सब हेडिंग 1 2 या फिर 5 50 बन रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सब हेडिंग्स कितनी होती है, क्योंकि ये H2 के अंदर बन रही है, तो ये भी H3 ही बनेगी आपकी, ये भी H3 बनेगी और ये भी H3 बनेगी। एंड सिमिलरली चैप्टर 3 के अंदर ये भी H2 के अंदर है, इसके अंदर और सब हेडिंग्स बन रही है, तो ये भी आपकी H3 बनेगी। ठीक है, अब H3 तक आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट हमको इसके अंदर कोई और सब हेडिंग्स बनेगी तो भी फॉलो होगा। जैसे कि मान लेता हूँ कि जो सब हेडिंग 1 बनाई थी उसके अंदर और कोई सब हेडिंग बन गई आपके लिए। ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूँ, कह सकते हैं कि सब सब हेडिंग कह देते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि इसके अंदर कुछ और बन गया। ठीक है, मैं इसको एक टैब ले लेता हूँ ताकि अंदर दिखे ये, और सिमिलरली सब सब हेडिंग 2,
अब H3 के अंदर कुछ बनेगा ना तो वो हेडिंग 4 बनेगा, H3 मतलब हेडिंग 3, और H3 के अंदर कुछ और जाएगा तो वो H4 बन जाएगा। तो ये वाली जो हेडिंग्स बनेगी वो H4 चली जाएंगी, राइट। और सिमिलरली इसके नीचे वाली जो भी थी वो भी हेडिंग 4 बन जाएगी। तो सिंपल है यार कि बहुत लॉजिकल स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है कि हेडिंग 1 एक बार ही रहेगा जो टाइटल है मैन का वो, फिर H2 बनेगी जो इक्वल लेवल ऑफ हेडिंग्स इंपॉर्टेंट रोल पे करती है, फिर H2 के अंदर कोई हेडिंग्स अगर बन रही है तो वह H3 बनेगी, और H3 के अंदर कोई बन रही है तो H4 बनेगी, और H4 के अंदर कुछ बन रहा है तो H5 बनेगी, और H5 के अंदर बन रहा है तो H6 बनेगी। और H5 और H6 जो है आपको ऐसा लगेगा कि 99% केसेस में यूज ही नहीं आ रही होगी आपके, ठीक है। H3 तक आपका मोस्टली 90% केसेस में काम हो जाता है, 10% केसेस में आप H4 तक भी जाते हो, और 1% चांस ही ऐसा होता है कि आप H5 और H6 तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो जनरली इस टाइप से ही काम होता है। और काफी लोग मिस्टेक क्या करते हैं हेडिंग टेक्स्ट यूज करते टाइम, उनको लगता है कि H1 से लेकर H6 तक मुझे एक पेज पे यूज करनी है, तो किसी को H1 कर दिया, किसी को H2 कर दिया, किसी को H3 कर दिया, किसी को 4 और 5 6 तक पहुंच ही जाते हैं, जो कि एक राइट अप्रोच नहीं होती है, ठीक है। अब इस सेम अप्रोच को हम ब्लॉग पोस्ट के ऊपर फॉलो करके देखते हैं। जैसे मेरा टॉपिक था व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, तो मैं नीचे चलता हूँ, इसको हम यहाँ पे मार्क करके देखते हैं हेडिंग टेक्स्ट को, ठीक है। मेरा टॉपिक था व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, एंड जो हेडिंग है बिगिनर्स गाइड इन 2024, बिगिनर्स गाइड इन 2024 कह सकते हैं, मैन हेडिंग थी तो ये वाला है, मैंने बना दिया इसको हेडिंग 1, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं हम, तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ, इसके अंदर हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया आपका मैन, ये पैराग्राफ कंटेंट होता है, इसमें कोई हेडिंग टैग्स नहीं चलते। फिर यहाँ पे है तो देखो एक डेफिनेशन आई, कि पहले हम डेफिनेशन दे देते हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एसईओ होता क्या है। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग ली, ठीक है। तो H1 के बाद डायरेक्टली H3 4 कुछ नहीं आएगा, H1 के बाद हमेशा H2 ही आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हेडिंग थी तो H2 में आएगी, ठीक है। आपको हायरार्की ब्रेक नहीं करनी है, H1 के बाद कभी भी H2 के अलावा कोई और नहीं आ सकती, H3 4 H5 ऐसे पहले कुछ भी रैंडम नहीं आ सकती, ठीक है, हायरार्की रहेगी। तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ था, इसके अंदर इसको डेफिनेशन थी, तो व्हाट इज टेक्निकल एसईओ यहाँ पे डेफिनेशन खत्म होती है, बट इसके अंदर कोई और हेडिंग वगैरह नहीं आई, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट हेडिंग आई, व्हाई इज टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग में आपने क्या बताई, डेफिनेशन बताई टेक्निकल एसईओ की, सेकंड में बता रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके। तो ये ऑल टुगेदर न्यू हेडिंग है, तो H2 है और इसका पार्ट नहीं है, तो ये वापस H2 ही चलेगी, ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल एसईओ अपनी H2 थी, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और अब व्हाई इज टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट, ये उसके ऊपर वाली हेडिंग का पार्ट नहीं है, ऑल टुगेदर न्यू है, अलग चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी H2 बनेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि उसका पार्ट नहीं थी, पार्ट होती तो H3 में जाती, अगर पार्ट नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग वापस क्या बनेगी, H2 ही बनेगी, जो इक्वल इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, अब वाइस टेक्निकल इंपॉर्टेंट के अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्यों है उसके मल्टीपल रीजन बताया, जैसे कि फर्स्ट रीजन बताया, फिर सेकेंड रीजन बताया, थर्ड रीजन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टोटल 7 रीजन बताए, ठीक है। अब ये 7 रीजन जो भी है ना वो इसका ही पार्ट है, वाइस टेक्निकल इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, तो फर्स्ट रीजन बताया हमने कि इसका वेबसाइट क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इंप्रूव हो जाएगी, आपकी यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा, ऐसे करके 7 पॉइंट्स बताए। तो H2 जो ऊपर चल रहा था वाइस टेक्निकल इसमें इंपॉर्टेंट, उसके ही पार्ट सी ये सारी सब हेडिंग्स, तो ये कौन सी बनेगी, H3 के अंदर जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि सारी इक्वल लेवल पे इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन हो गया, फिर यहाँ पे सेकेंड रीजन, फिर ये थर्ड रीजन, और सिमिलरली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स भी इस टाइप से चलेंगे। तो ये सारी H2 के अंदर आ रही है तीनों सब हेडिंग्स, तो ये H3 की हायरार्की को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं H3 लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे प्रॉपर, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि SEO के अंदर जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जो दो दो साल से काम भी कर रहे हैं, वो भी इस बेसिक चीज को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, और गूगल उसकी हायरार्की को प्रॉपरली समझ नहीं पाता, और कहीं ना कहीं आपको SEO में रैंकिंग वगैरह में लॉस होता है, ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंस के लिए हमने देखा था कि 7 हमने सब हेडिंग्स यूज करी थी, फिर नेक्स्ट पार्ट आ गया और कि कोर कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एसईओ, तो इंपॉर्टेंस दिखा दिया यहाँ तक हमने, अब कोर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो कोर कंपोनेंट्स जो है वो एक अलग सब हेडिंग है, ऐसा नहीं है कि इनका ही पार्ट है ऊपर वाले का, ठीक है। ऊपर पहले हम डिस्कशन करा, डेफिनेशन करा, फिर हमने कहा बेनिफिट्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, फिर अब बात करें कोर कंपोनेंट्स होते कौन कौन से, तो ये भी अलग पार्ट है, तो वापस ये H2 के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इनका ऊपर H3 चल रही थी, उनका पार्ट नहीं है, अलग ऑल टुगेदर न्यू पार्ट है, तो कोर कंपोनेंट्स अलग आ जाएंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट हमने एक कंपोनेंट बताया कि वेबसाइट स्पीड जो है टेक्निकल एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर अगर चलते आगे, तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ साइट स्पीड, तो यहाँ पे देखो H3 जो चल रही थी वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, हम वापस समझ लेते हैं, यहाँ पे ये आपका H2 था, क्योंकि हमने यहाँ कोर कंपोनेंट्स ने स्टार्ट करे, इसको H2 मार्क कर देते हैं,
ठीक है, और इसके अंदर जो चीज आ रही है एस थ्री है आपकी, ठीक है, और एस थ्री में क्या लिया हमने, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को कोर कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट दिखाया। अब उसके अंदर दिखाया इंपॉर्टेंस ऑफ साइट स्पीड, तो अब देखोगे ना साइट स्पीड के अंदर ही एक हेडिंग बनी है, तो ये वाली हेडिंग एच थ्री के अंदर बनी है प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि एच थ्री ही है, एच थ्री के अंदर बनी है। पहला था वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक कोर कंपोनेंट है, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए अलग हेडिंग सब हेडिंग तरह ले रखी है, तो ये क्या बनेगी एच थ्री का पार्ट है, एच थ्री का पार्ट है तो क्या बनेगी एच फोर, ठीक है, ये एच फोर बन जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हेडिंग्स नहीं, ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, इमेज आ गई। फिर टूल्स टू मेजर वेबसाइट स्पीड, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट स्पीड की बात हो रही है, उसके अंदर ही एक और सब हेडिंग आ रही है कि वेबसाइट स्पीड को आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, उसका टूल्स कौन कौन से हैं, तो ये भी एच थ्री का पार्ट ही चल रहा है, तो ये भी बनेगी एच फोर आपकी, सॉरी एच फोर। फिर टूल्स वगैरह गए, फिर स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव वेबसाइट लोडिंग टाइम, तो अभी तक वेबसाइट लोडिंग के अंदर ही सब एडिंग्स चल रही है और, ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये भी आपकी एच फोर है, क्योंकि हम वेबसाइट लोडिंग टाइम के अंदर ही मल्टीपल और सब एडिंग्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एच थ्री थी, उसके अंदर हमने चार बात करी कि वेबसाइट इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, टूल्स कौन कौन से जिसे मेजर कर सकते हो, फिर आपकी इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है, ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आ गया मोबाइल फ्रेंडलीनेस, तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट था वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, अब सेकेंड पॉइंट है आपका मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, तो ये एच थ्री थी और ये इसका पार्ट है, तो ये भी एच थ्री बनेगी वापस से, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर होते होता होगा, अब इसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आपको ब्राउजर के अंदर ही दिखाता हूँ, जैसे सेकेंड मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो गया, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का और डिटेल में डिस्कस हो रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस ऑन एसईओ, ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडलीनेस के अंदर ही एक सब एडिंग बनी है, तो ये वाली एच थ्री थी आपकी, तो ये बनेगी एच फोर। सिमिलरली इसी टाइप से आगे की स्ट्रक्चर को फॉलो करता रहेगा आपका ब्लॉग पोस्ट या फिर पेज या कंटेंट जो भी है। अभी सेम चीज मैं आपको एक वेब पेज के लिए भी दिखा देता हूँ कि वेब पेज पे अगर आपकी कोई डिजाइनिंग वगैरह होती है वेबसाइट के पेजेस के ऊपर, तो वहां पर किस टाइप से काम होता है, जैसे मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये पेज ओपन कर लिया, मतलब एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो पेज के अंदर आप एक सर्विस या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पेज खोला मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो इस पेज के ऊपर जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो कौन सी बनेगी एच वन, और विच कम्स ओनली वन टाइम, और बाकी जो हेडिंग्स है एच टू, एच टू से लेकर एच सिक्स तक, उनकी कोई भी नंबर ऑफ लिमिट्स नहीं है कि कितनी नंबर कितनी बार वो हेडिंग्स यूज हो सकती है, जितनी ज्यादा आपकी वो कह सकते हैं हायरार्की फॉलो करने के लिए रिक्वायरमेंट है उतनी बार आप यूज कर सकते हो, कोई लिमिट्स नहीं है। एच वन को आप यूज करना चाहिए वन, बाकी टेक्निकली आप H1 को भी है ना अगर HTML टैग के अंदर यूज करना चाहे तो डेवलपर 10 बार भी करवा सकता है आपको यूज, बट करनी नहीं है, ऐसी पर्सपेक्टिव से होता है कि H1 शुड बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है। तो इस पेज के लिए सबसे मेन हेडिंग ये आ गया, तो ये H1 हो गया आपका, बाकी कोई यहाँ पे हेडिंग नहीं है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग है अपकमिंग बैचेस, ऊपर वाले पार्ट से अलग है, तो ये बनेगा आपका H2। फिर यहाँ पे कोर्स फीस, अगर इसका पार्ट नहीं है ये तो H2 बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हेडिंग है अबाउट आवर कोर्स, ठीक है, अबाउट कोर्स बता दिया, यहाँ पे डिटेल्स बताइए, तो ये भी आपका एच टू बन जाएगा क्योंकि ऊपर वाले का पार्ट नहीं, अलग ऑल टुगेदर न्यू सेक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया करिकुलम, कि हमारे कोर्स का करिकुलम क्या क्या है, तो यहाँ पे एक ऑल टुगेदर न्यू हेडिंग है, तो ये भी आपकी एच टू हेडिंग बन जाएगी। और इसके अंदर देखो जैसे कि अलग अलग चीजें बता रखी है कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डोमेन मार्केटिंग, तो ये जो हेडिंग्स है ना डोमेन मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और जितने भी आपके करिकुलम की हेडिंग्स चल रही है ये सारी एच थ्री के अंदर जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि करिकुलम का पार्ट है। एच टू जो चल रहा था करिकुलम, उसके अंदर जो 50 से 40 चीजें जो भी हो सकती है वो सारी एच थ्री के अंदर आपकी जाएंगी हेडिंग्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये सब एच थ्री के अंदर जाएंगी। फिर यहाँ पे आ गया वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद डब्ल्यू एस क्यूब टेक, तो यहाँ पे वाई चूजर्स का एक नया सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये भी क्या बनेगा एच टू का हेडिंग बनेगा, और इसके अंदर देखोगे सब सिक्स सब हेडिंग्स है, 1 2 3 4 5 6, वाई चूजर्स का सिक्स रीजन बता रखे हैं, तो ये सारी जो हेडिंग्स है एक्सपीरियंस मेंटर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, तो ये सारी कौन सी बनेगी एच थ्री, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऑल टुगेदर न्यू सेक्शन है, ये भी एच टू के अंदर जाएगा। फिर यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स के लिए हेडिंग आई, ये भी एच टू जाएगी, और इसके अंदर कोई और सब हेडिंग्स नहीं है। फिर एच टू हो गया, ये भी एच टू जाएगी, जो भी नए सेक्शन आते रहेंगे वो एच टू में ही जाएंगे, जबरदस्ती ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एच टू ज्यादा हो रही है तो इसको एच थ्री ले लेता हूँ, ऐसा सोच के नहीं करना है काम, आपको जो लॉजिकल हायरार्की है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक एच वन से लेकर एच सिक्स की जो हेडिंग टैग्स है उनको यूज करना है वर्डप्रेस के अंदर, आपके पास जब यूज करते हो, मैं वर्डप्रेस का भी आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर ये किस टाइप से दिखता है। सो वर्डप्रेस का जब आप ब्लॉग पोस्ट लाइव करने जाते हो तो जिस टाइप से आपके पास पैनल आता है जिसपे आप अपना
कंटेंट वगैरह ऐड करते हो, हेडिंग टैग्स वगैरह सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग है, इसको मैं क्लिक करूंगा, देखो H2 आ रहा है। इसको मैं अगर क्लिक करके चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ आपके हाथ में होता है कि कौन सा चूज करना है। अगर ब्लॉगिंग करते हो, SEO करते हो, तो वर्डप्रेस में आपने ये नोटिस करा होगा। तो ये हेडिंग टैग यहाँ से आप चेंज करना है, जो भी रिलेवेंट है उसको रखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेट किया हुआ है कि H3 है, ठीक है। इन केस अगर इसको H3 नहीं करना था और मान लेता कि आपने पुरानी पोस्ट में जाके चेंज करना है आज के सेशन के बाद, तो वो भी जाके आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे मान लेते हैं H3 करना था, H4 करना था, वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। H4 किया, इस टाइप से H4 सेलेक्ट हो गया। H3 किया, इस टाइप से सेलेक्ट हो गया। फिर आप इसको अपडेट कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं। और डेवलपर्स, जब आपकी मान लेते हैं कोडिंग वाली वेबसाइट है, तो कोडिंग वाली वेबसाइट में क्या करोगे आप, डेवलपर्स को बता दो डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लेता हूँ कि ये मैं डेवलपर को दे रहा हूँ कि वेबसाइट पे पेज बनेगा, इसके अंदर जो हेडिंग्स आ रही है उनको किस कौन कौन सी हेडिंग को, हेडिंग टैग कौन सा रखना है। तो आप डेवलपर को इस टाइप से मार्क करके दे सकते हैं येलो के अंदर, या जैसे भी आपको ठीक लगे। तो डेवलपर क्या करेगा, जो हेडिंग आएगी ना उसको उस हिसाब से सेट कर देगा, ठीक है। फिर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चेक करना है इस पेज पे कि हेडिंग टैग्स प्रॉपर रखी है कि नहीं रखी है, क्योंकि ये कोडिंग कोडिंग वेबसाइट से बनी हुई है और यहाँ पे डेवलपर से काम करवा रखा है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह भी आते हैं काफी सारे, जिनमें आप हेडिंग्स वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, फर्स्ट ये वाली हेडिंग है, ये H1 के अंदर ले रखी है। अपकमिंग बैचेस जो हेडिंग थी H2 में है। अबाउट आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, जो अबाउट द कोर्स था, ये वाला सेक्शन ये देखो H2 में ले रखा है। फिर करिकुलम वाला पार्ट जो था, ये वाला ये देखोगे H2 के अंदर ले रखा है हेडिंग। और इसके अंदर जो सब हेडिंग जितनी भी आ रही थी सारी देखोगे H3 के अंदर आ रही है, जो मैंने आपको बताया था कि ये सारी H3 के अंदर चलेगी। फिर व्हाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद डब्ल्यूस्क्रिप्ट, ये H2 के अंदर आ रही है। फिर इसके अंदर सिक्स सब हेडिंग्स थी, तो देखोगे सिक्स के सिक्स यहाँ पे H3 के अंदर आ रही है। तो इस टाइप से आपको हेडिंग टैग्स को प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है। अब हेडिंग टैग्स को हमने हायरार्की के वाइज ऑप्टिमाइज तो कर दिया, अब जो फर्दर ऑप्टिमाइजेशन एसईओ पर्सपेक्टिव से और करनी चाहिए वो ये चीज है कि आपका जो मेन कीवर्ड है उस पेज का, जो भी टॉपिक है आपका, उसका मेन कीवर्ड जो है वो हेडिंग वन के अंदर मेक श्योर करना है आना ही चाहिए। इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वो आना ही चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, जैसे ये वाला पेज था, इसमें ये वाला हेडिंग वन है। तो मेरा इस पेज का मोटिव क्या था कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो ऑनलाइन है उसको वहां पे एसईओ करना उस पेज के लिए। तो मेरा क्या मेन कीवर्ड था, एक तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और दूसरा था ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आप देखोगे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कीवर्ड है वो मेरी हेडिंग वन के अंदर प्रॉपरली हमने यूज करा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम ब्लॉग के अंदर भी जाके देखते हैं, जो जैसे हमने ब्लॉग देखा था, तो ब्लॉग को भी देखेंगे तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है। जैसे मैंने एक ब्लॉग पोस्ट ओपन कर लिया कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे मेरा मेन कीवर्ड था फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड था वो इसके अंदर आ रहा है। तो हेडिंग वन के अंदर मेन कीवर्ड आपका आना ही चाहिए विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, ठीक है। सेकेंड चीज, जो आपकी हेडिंग टू बनेगी, H2 जो बनेगी, उनके अंदर आप जहां पे भी स्कोप बना सकते हो कीवर्ड्स को यूज करने का, तो स्कोप बनाना है। अब स्कोप बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं करने की, अगर कीवर्ड यूज हो भी नहीं रहा है आपके मेन कीवर्ड्स, तो वहां पे जबरदस्ती यूज करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कीवर्ड यूज करना चाहते हो और आपको लगता है कि नेचुरली यूज हो पा रहा है तो आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मैं उसका भी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे इस पेज के लिए कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ऐसे कुछ कीवर्ड्स थे इस पेज के लिए। तो जैसे H1 में हमने यहाँ पे यूज कर लिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो ये हेडिंग है अपकमिंग बैचेस, बट यहाँ पे मेरे कीवर्ड यूज करने का प्रॉपर स्कोप नहीं बन रहा था तो यूज नहीं किया, ठीक है। कोर्स फीस यहाँ पे भी नहीं बन रहा था स्कोप प्रॉपर। फिर यहाँ पे देखेंगे कि थी अबाउट आवर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे देखो कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को हेडिंग में प्रॉपर यूज करा है, विच इज के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेट। ये एक लॉन्ग टेल वेरिएशन जो था कीवर्ड का, वो यहाँ पे यूज हो गया हेडिंग टैग्स के अंदर H2 के अंदर, ठीक है। सिमिलरली अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें करिकुलम दिखाना था, तो हमने दिखा दिया कि करिकुलम ऑफ आवर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जो कीवर्ड था वो वेरिएशन भी यहाँ पे हेडिंग में यूज हो गया, बट जो आपका हेडिंग है वो ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती यहाँ पे कीवर्ड को ऐड कर दिया। हमने प्रॉपर नेचुरल फ्लो, जो हम कहते हैं ना कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका कंटेंट में कह सकता है कि ब्लैक हैट ऐसी वाली चीजें भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो व्हाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन विद डब्ल्यू एस क्यूब टेक, तो यहाँ पे एक कीवर्ड और था कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको इस टाइप से यूज कर लिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, और किस फ्लो में यूज करा, व्हाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन विद डब्ल्यू एस क्यूब टेक। तो यहाँ पे सेंटेंस या जो हेडिंग बनी ना वो प्रॉपर बनी है, कोई स्टफिंग या नहीं है, नेचुरल फ्लो है, उस टाइप से यूज हो रही है। तो सिमिलरली आपको भी ध्यान रखना है कि जो भी आप कीवर्ड्स यूज करोगे H2 H3 के अंदर, वो प्रॉपर फ्लो के अंदर आना चाहिए। जहां पर यूज नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके, नहीं करना यूज। जहां पे भी स्कोप बन सकता है उसको बनाने की कोशिश कर रही है आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि ये दो हेडिंग्स थी, यहाँ पे हेडिंग टैग्स यूज हो रहे प्रॉपरली, बट यहाँ पे स्कोप नहीं लगा तो यूज नहीं करा। जहां पे स्कोप लगा वहां पे स्कोप यूज करो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें और ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप बेस्ट लेवल पे SEO कर सकते हो अपने हेडिंग टैग्स को लेके। थैंक यू सो मच।